my dear students, welcome back to my channel. English is fun. In previous video, we have understood the paper structure, part section C, and we have also known that section C में four types के questions आते हैं, and ये four type के questions आपके grammar book से होते हैं. Section C में grammar का ही पार्ट होता है एंड वो टोटल 20 मार्क्स का होता है. हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है. एंड मैंने ये भी बताया था कि आपके ग्रामर पार्ट में से इस बार प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशंस आएंगे एंड ये सारे 5-5 मार्क्स के होंगे. 5 × 4 मार्क्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मार्क्स? यस, 20 मार्क्स. So now students, let's see what are we going to learn today. Students, in today's video, we are going to learn and understand section D. Students, section D 30 marks का होता है and इसमें 5 types के questions होते हैं. ये सारे questions आपके manual book से लिए गए होते हैं. पहले आपका आता है extract based. फिर आता है ट्रू फॉल्स. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, टेक द करेक्ट आंसर एंड लास्ट आपका होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्सट्रैक्ट बेस आपका 4 मार्क्स का, ट्रू फॉल्स 6 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स, टेक द करेक्ट आंसर 5 मार्क्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 10 मार्क्स का. स्टूडेंट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपका सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन एज अ नंबर 10 होता है. रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. दैट मींस कि मैनुअल बुक से आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, इसे आपको ध्यान से रीड करना है एज वेल एज उसके बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो स्टूडेंट, अब मान लो कि हमने ये एक्सट्रैक्ट रीड कर लिया. आपको याद है ना, ये आपके मैनुअल बुक से ही लिया गया है. So let's try to answer the question. First question it is asked, who was Tara? So now students, answer will be Tara was a little girl. आपको याद होगा हमने ये extract पहले भी किया है, इसलिए मैंने आपको example के तौर पे दिया है. Second is, what did the pot cook? That means जो pot है वो क्या cook करता है? Answer will be the pot cooked porridge. Third is, where did she go one day? That means एक दिन वो कहाँ जाती है? Answer will be she went into the forest one day. Fourth is, what did the old woman give Tara? That means the old woman है वो Tara को क्या देती है? Answer will be the old woman gave a magic pot to Tara. Now students, अब ये सारे answers right हैं. इसलिए हमें कितने marks मिलेंगे? Very good, 4 marks. Now next it will be state true or false for the following statement. Now students, अब जो answer आपको yes में लग रहा है वहाँ आपको true लिखना है and जो answer आपको no में लग रहा है आपको वहाँ पे false लिखना है. Let's try to understand. First is, we can draw on the water. क्या आप water पे draw कर सकते हो? इसका answer आपका no में होगा, इसलिए हमें no बताने के लिए यहाँ false लिखना है. False मतलब नहीं and false का मतलब होगा wrong. सेकेंड इज, स्कूल इज अ प्लेस टू फाइट. क्या स्कूल फाइट करने की जगह है? आंसर होगा फॉल्स. फॉल्स इज गलत. थर्ड इज, बीरबल मेड द लाइन शॉर्टर. दैट मींस बीरबल ने लाइन को शॉर्ट कर दिया था. ये आपका करेक्ट आंसर है, तो ये उसके लिए हो जाएगा ट्रू. फोर्थ इज, वी शुड लव आवर ग्रैंड पेरेंट्स. हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए और इसका भी होगा ट्रू. स्टूडेंट्स, ट्रू मींस होता है राइट एंड फॉल्स मींस होता है रॉन्ग. फिफ्थ इज, द एंट्स वर लेजी. क्या एंट्स लेजी थी? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ तो लिखा है द एंट्स वर लेजी, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स मींस रॉन्ग. सिक्स्थ इज, द म्यूजिक मैन प्लेज फुटबॉल. अब म्यूजिक मैन फुटबॉल थोड़ी खेलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स. सो लेट्स सी इफ ये सारे आंसर्स राइट है कि नहीं. सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आंसर्स आर राइट. So we get 6 marks. 12th is, fill in the blanks by choosing the correct answer from the boxes. Now students, आपको इन clues की help लेके नीचे दिए गए blanks को fill करना है. अब आप यहाँ देख सकते हो, बुमडी बुमडी sounds the big drum.
नाउ स्टूडेंट, हमने यह ड्रम इसी बॉक्स में से लिया है एंड यह आंसर आपका करेक्ट है. सेकेंड इज द एंट्स वर वेरी हार्ड वर्किंग. अब हमने एंट्स भी आपके बॉक्सेस में से लिया है. आप देख सकते हो कि यहाँ जितने भी ब्लैंक्स फिल्ड है सारे आपके बॉक्सेस में से लिए गए हैं. थर्ड इज कली लॉग वेंट इनटू द फॉरेस्ट. फोर्थ इज मामा बियर्स बेड वाज टू सॉफ्ट. फिफ्थ इज गोपू वाज अ गुड डॉग. नाउ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ जितने भी ब्लैंक्स फिल्ड है वो सारे आपके इन्हीं ऑप्शन में से लिए गए हैं. नाउ लेट्स चेक आउट कि वेदर ऑल द आंसर्स आर राइट और रॉन्ग. सो स्टूडेंट्स, ऑल द आंसर्स आर राइट, सो वी गेट 5 मार्क्स. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. टेक द करेक्ट ऑप्शन. नाउ स्टूडेंट्स, हमें यहाँ क्या करना है, जो भी ऑप्शन हमें सही लग रहा है उस पे हमें टिक करना है. फर्स्ट इज द बेबी क्रॉस ऑन द. अब आप बताओ कि बेबी कहाँ चल सकता है, वाटर पे या फ्लोर पे. आंसर विल बी फ्लोर. सेकेंड इज ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन. अब आप ब्लैक बोर्ड पे क्या कर सकते हो, रन या फिर ड्रॉ. आंसर विल बी ड्रॉ. थर्ड इज माई हेयर्स आर ब्लैक और ब्लू. अब आपके हेयर्स कैसे हैं, ब्लैक या फिर ब्लू. आंसर विल बी ब्लैक, क्योंकि ब्लू तो किसी के भी नहीं होते. फोर्थ इज द ग्रैंडफादर वाज वेरी. अब इसका आंसर क्या होगा, यस इसका आंसर होगा सैड. फिफ्थ इज द डक लिव्स इन अ पॉन्ड और कैनल. आंसर विल बी पॉन्ड. नाउ स्टूडेंट्स, अभी सारे आंसर तो राइट है इसलिए हमें मिलेंगे 5 मार्क्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एज वेल एज उसका हमें राइट आंसर देना है. सो लेट्स चेक आउट द आंसर्स एंड एज वेल एज क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मिस्टर नोबडी. आंसर विल बी मिस्टर नोबडी इज अ फनी लिटिल मैन. सेकेंड इज वेयर डिड द बियर फैमिली लिव. आंसर विल बी द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. थर्ड इज नेम द 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी द विंड एंड द सन. आंसर विल बी द विंड द सन एंड द मैन. फोर्थ इज नेम द 4 एनिमल्स इन द मुंबई म्यूजियम. आंसर विल बी डंकी डॉग कैट एंड कॉक. फिफ्थ इज व्हाट आर द 4 थिंग्स दैट यू कैन ड्रॉ ऑन योर ब्लैक बोर्ड. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पूछा गया है कि ऐसे कौन से 4 थिंग्स है जो आप ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा है एप्पल टॉफी मैंगो एंड बलून. ये 4 थिंग्स मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर सकती हूँ. नाउ लेट्स सी वेदर ऑल दीज आंसर्स आर राइट और नॉट. सो स्टूडेंट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल द आंसर्स आर राइट. एंड इसके लिए हमें 2 मार्क्स मिलेंगे. सो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स. दैट्स इट फॉर टुडे किड्स. विद दिस मॉड्यूल आई कंक्लूड पेपर स्ट्रक्चर. सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट योर पेपर इजीली. सो टिल देन गेट वैक्सीन, वियर मास्क, फॉलो हाइजीन, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.